कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी की वैक्सीन लगभग तैयार है, मगर एड्स नाम की एक ऐसी बीमारी है जो बीते करीब 40 सालों से लोगों की जान ले रही है। वैज्ञानिकों को साल 1980 में पहली बार इस बीमारी के बारे में पता चला था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और दवाओं के जरिए एड्स के प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन इसकी चपेट में आने के बाद इसे जड़ से खत्म करने वाली दवा या वैक्सीन आज तक लोगों को मुहैया नहीं हो पाई। ऐसे में आइए जानते हैं, आखिर इतने दिनों बाद भी वैज्ञानिक इस बीमारी की वैक्सीन क्यों नहीं खोज पाए, साथ ही एड्स की वैक्सीन में वैज्ञानिकों के सामने बड़ी चुनौतियां क्या हैं? चुनौती नंबर एक, एचआईवी में इम्यून का रिस्पांस। वैक्सीन डेवलपर की माने तो इंसान के शरीर में रोगों से लड़ने वाला इम्यून सिस्टम एचआईवी वायरस के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं देता है। रोगी के शरीर में इम्यून एंटीबॉडी प्रोड्यूस तो करता है, मगर वो सिर्फ रोग की गति को धीमा करता है, उसे रोक नहीं पाता। चुनौती नंबर दो, इम्यून का खराब रिएक्शन। एचआईवी के संपर्क में आने के बाद मरीज की रिकवरी होना लगभग असंभव है। एचआईवी पर इम्यून का कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देने के चलते वैज्ञानिक वैक्सीन नहीं बना सकते जो शरीर में एंटीबॉडी के प्रोड्यूस होने की नकल कर सके। चुनौती नंबर तीन, डीएनए में छिपा वायरस। शरीर में एचआईवी संक्रमण फैलने की एक लंबी अवधि होती है, इस दौरान वायरस इंसान के डीएनए में छिपकर रहता है। शरीर के लिए डीएनए में छिपे वायरस को खोजकर उसे नष्ट करना मुश्किल काम है। वैक्सीन के मामले में भी ऐसा ही होता है। चुनौती नंबर चार, नष्ट हो चुके वायरस। वैक्सीन बनाने में ज्यादातर कमजोर या नष्ट हो चुके वायरस का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन एचआईवी के मामले में नष्ट हो चुका वायरस शरीर में इम्यून को सही ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। इस वायरस के किसी भी जीवित रूप का इस्तेमाल भी बेहद खतरनाक है। चुनौती नंबर पाँच, वायरस का नेचर। ज्यादातर वैक्सीन ऐसे वायरस से इंसान की सुरक्षा करती हैं जो रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में दाखिल होते हैं, जबकि एचआईवी का संक्रमण जननांग या खून के जरिए शरीर में फैलता है। चुनौती नंबर छह, जानवरों का मॉडल। जानवरों पर टेस्ट करने के बाद ही किसी वैक्सीन को इंसान के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश एचआईवी के लिए जानवरों का एक भी ऐसा मॉडल नहीं है जिसकी तर्ज पर इंसानों के लिए एड्स की वैक्सीन तैयार की जा सके। और चुनौती नंबर सात, रूप बदलने वाला एचआईवी। एचआईवी वायरस बड़ी तेजी से रूप बदलता है, जबकि वैक्सीन वायरस के एक विशेष रूप को ही टारगेट बना सकती है। वायरस के रूप बदलते ही उस पर वैक्सीन का असर काम करना बंद कर देता है। ये सभी वजह हैं जिनके चलते आज तक एचआईवी की वैक्सीन तैयार नहीं की जा सकी। ब्यूरो रिपोर्ट।